हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सभी अच्छे हैं। तो आज यह व्लॉग हमारा होने वाला है भैया दूज का। आज हमारे यहाँ पर बनती है और पूछती है भैया दूज पर। यह मेरे ताऊजी का लड़का है, इनका नाम वंश है। वंश भैया माथे पे को थोड़ा सा ऊपर से कर लो। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमें नई नई वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो को कितना सपोर्ट मिल रहा है और हमारी वीडियो को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। कर ले पहले तो मानो। बोलो आज क्या है बच्चों? आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब मैं अपने भाई के करूंगी टीका। ये कह रही थी मुझे सफेद रसगुल्ला दो और इसके भाई दे रहा था इसके मुंह में भेड़ा, इसने खुद ही उठा के खा लिया। चलो भैया वो दीदी को पैसे दो। भाई मैनू की छोटी मोटी जोगी अच्छी लगती है, इन्हें आर्टिफिशियल चैन ले रहा था और सीधे कह रहा ले नहीं सुनने की चैन। और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे थे भाई दूज की कहानी सुनाने की, और ये मैंने ग्यारहवीं तैयारी कर रही थी और सुबह से फास्ट था तो बस फटाफट फटाफट कहानी सुननी थी। और बच्चे को भी बहुत शौक लग रहा था कि मम्मी हम भी भाई दूज की कहानी सुनेंगे, और ये भी पड़ोस के बच्चे परिवार के बच्चे ही हैं, ये भी कह रहे थे ताई जी जल्दी जल्दी कहानी पढ़ो हम भी सुनेंगे भाई दूज की कहानी। खाओगे बच्चे वाली भी? हाँ सभी ने पहले खाई चार के साथ खाओगे। भैया दूज की कहानी। भैया दूज की कहानी नियम द्वितीया भैया दूज। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई के प्रेम का प्रतीक
है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घ आयु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य कन्या यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इस यमदित्या भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा वंत भाव से स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। कथा। सूर्य भगवान को स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी दो संतानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उत्पत्ति किरणों को नया शहर के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी या शनिचर का जन्म हुआ। इस छाया से अश्वनी कुमार का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वेद माने जाते हैं। इधर छाया कायम तथा यमुना से माता शाह व्यवहार होने लगा। इससे खिन होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी पापियों को दंड देने का काम समाप्ति करते भाई को देखकर यमुना जी को गोलोक चली गई चली आई। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया मगर मिल न सकी। फिर स्वयं गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर को स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाए। प्रसन्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंज में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करेंगे, इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे, वह तुम्हारे लोक न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांध कर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। आरती श्री गणेश जी। गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे लगे संत धरे सेवा, एक दंत दयावंत चार पूजा धारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की शहारी, अंधन को आंख दे कोड़ी को काया, भगवान करे सभी भाइयों को लंबी उम्र दे और स्वस्थ जिंदगी दे और भाई बहनों का यूं ही प्यार बनाए रखे। पूरा देखिएगा और बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। हमारा त्योहार आपको कैसा लगा? बाय 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 बाय। चलन सु बंद कर दे, शुरू भी कर दे। और भाई दूज पर मेरे कोई से भी भैया नहीं आए थे, क्योंकि मेरे भैया दूज बोलते हैं जिसे वो नहीं आती है, लेकिन भाई मेरे टीका कराने के लिए आ जाते हैं। अब की बार उन पर टाइम नहीं था तो इसलिए वे आ नहीं पाए, क्योंकि भाई दूज का भी पता नहीं चल रहा था कौन कब होएगी और कब नहीं होएगी, तो इसलिए मैंने गोलोपा घर पर ही इनका टीका कर लिया था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।